24 को लेकर 25 तक की जंग की तैयारी। अमित शाह का फिर होगा बिहार आगमन। सीमांचल में बीजेपी लेगी विजय संकल्प। मिशन 2024 पर बीजेपी अभी से जुट गई है। केंद्रीय नेताओं का बिहार आने का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। जुलाई के आखिरी दिनों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पटना पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी हुई थी और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर मंथन भी किया था। अब एक बार फिर अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। शाह अगले महीने यानी कि सितंबर में बिहार का दौरा करेंगे। बिहार के दो दिवसीय दौरे को लेकर अमित शाह 23 सितंबर को बिहार पहुंचेंगे। 23 सितंबर को वो पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जबकि 24 सितंबर को शाह की पूर्णिया में जनसभा होगी। सीमांचल में अपनी पैठ मजबूत करने पर बीजेपी जोर दे रही है। आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय अररिया फारबिसगंज के दौरे पर आए थे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। वहीं 9 सितंबर से ही पार्टी के बड़े नेता सीमांचल के दौरे पर रहेंगे और यहां प्रवास भी करेंगे। अमित शाह के दौरे पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। चलिए पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना सभी दल का। भले ही लोकतांत्रिक मूल्यों को कितना रौंदे, लेकिन बिहार के पूर्णिया में उनका आगमन हो रहा है तो स्वाभाविक है, राजनीतिक कार्यक्रम में आ रहे हैं या प्रशासकीय कार्यक्रम में वो जाने, लेकिन महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वहां दर्शन होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2014 के लोकसभा चुनाव, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा को कष्ट हुआ है गठबंधन टूटने से। सांप्रदायिकता पर यदि ध्यान देंगे तो अच्छी बात नहीं होगा। बिहार एक शांतिपूर्ण इलाका है, बिहार भाईचारा का मिसाल देने वाला है। यहां यदि कोई आग लगाना चाहेगा तो कतई जो है माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे, और बिहार की जनता आवाम भी बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगा। और ऐसी शक्तियों को बिहार हमेशा जो है नजरअंदाज करने का काम किया है और यहां से भगाने का काम किया है। देखिए, बिहार का पूर्वांचल इलाका में जो सीमांचल इलाका है, जहां हमारा बॉर्डर का इलाका है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, ये सब वो इलाके में आते हैं। वहां पर नई सरकार के बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ये प्लान जो है वो अमित शाह के रूप में वहां आ रहा है, और वो जो चाह रहे हैं कि हम नई सरकार को जो अभी बनी है उसको अस्थिर करें, वो उनका कामयाबी नहीं मिलेगा। देश के गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी। मानवर अमित शाह जी को इस देश में कहीं भी जाकर के देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा की चिंता करना उनका कर्तव्य भी है, और इस कर्तव्य का अच्छे से वो पालन भी कर रहे हैं। वो सीमांचल में आ रहे हैं, अगर हम तो उसको मिथिला कहते हैं, एक नया शब्द लोगों ने निकाला सीमांचल, कोई सीमांचल नहीं, पूरा मिथिला है। जम्मू, ये जो अपना किशनगंज है, किशनगंज से लेकर के ये सब मिथिला है, और मिथिला की पावन धरती पर वो आ रहे हैं। हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, पूरा बिहार स्वागत कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के बल्कि वो चाणक्य माने जाते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी उत्साहित हैं, और ये स्वाभाविक भी है। तमाम नेता इस तैयारी में लगे हुए भी हैं कि किस ढंग से अमित शाह जी के सामने मिशन बिहार को प्रेजेंटेशन करना है। और वहीं विपक्ष कह लें या भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कह लें, उनका जो है विरोध करना भी जायज है, क्योंकि ये लोकतंत्र की पार्टी है और लोकतंत्र की राजनीति आज भी मौजूद है। तो 2024 को लेकर अभी से मजबूत रणनीति के साथ जो है बीजेपी उतर चुकी है। बिहार में दौरे का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। अमित शाह पहुंचेंगे सितंबर में। देखना लाजमी है कि आखिर सीमांचल में जिस तरीके से रणनीति बनाई जाती है वो कितनी सफल होती है। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार आई है उसके बाद से ही बीजेपी मजबूती के साथ अपनी जमीन को तलाश रही है बिहार में, और यही वजह
हैं कि अब केंद्र के नेताओं का सहारा लिया जा रहा है। सितंबर से अगर हम देखें अमित शाह यहां पर आएंगे, कहा जा सकता है कि एक बदलाव बिहार में करने की कोशिश है जिसका असर 2024 में दिखेगा। यही वजह है कि अब केंद्रीय मंत्रियों का भी सहारा लिया जा रहा है बिहार में बीजेपी की ओर से। देखिए बीजेपी की ओर से, क्योंकि बीजेपी जो किंग मेकर हुआ करती थी, सरकार में थी और बीजेपी के हर उन बातों को जो है जेडीयू मानती थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन किंग मेकर बीजेपी थी। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने गठबंधन को तोड़ा बीजेपी के साथ, एनडीए से बाहर हुए और महागठबंधन की सरकार बन गई, अब बीजेपी को ये लग रहा है कि अब जो हालात है कि हमको अपने दम पर जो है 2024 और 2025 लड़ना है। क्योंकि कोई भी पार्टी देखा जाए, वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, बिना नीतीश कुमार और जेडीयू को जो है वो सत्ता में नहीं आई है। लेकिन अब जो है बीजेपी अपना जो है प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, अपनी मजबूती दिखा रही है, और यही कारण है कि सरकार जैसे ही गई, सरकार से जैसे ही बीजेपी अलग हुई, उसके बाद जो है अमित शाह का जो है कार्यक्रम लगा है सितंबर में। वो अमित शाह जो है पूर्णिया और किशनगंज के में आ रहे हैं, और अब जो है सत्ताधारी पार्टी साफ तौर पर ये कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जैसे जिस तरह से कहा कि कोई हाथ पैर गिड़गिड़ाले ना गिड़गिड़ाले, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन बीजेपी का जो प्लान है, क्योंकि बीजेपी अमित शाह को जो है बीजेपी में चाणक्य कहा जाता है, और अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी इसलिए वहाँ उस जगह को चुनी है क्योंकि किशनगंज और पूर्णिया जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि बांग्लादेश से सीमा सटा हुआ है, बांग्लादेश है के कई रोहिणिया जो मुस्लिम हैं वो किशनगंज में हैं, बांग्लादेशी कई लोग हैं वो घुसपैठ करके किशनगंज में आए हैं। यही नहीं, अफगानिस्तानी 100 परिवार ऐसे हैं जो किशनगंज में जो है अफगानिस्तान से आए हुए हैं और वो रहते हैं। तो इन तमाम चीजों को मुद्दा बनाते हुए बीजेपी जो है ये मुद्दा बनाएगी। क्या यही वजह है, बिल्कुल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या यही वजह है कि सीमांचल की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, फोकस कहीं ना कहीं सीमांचल की ओर है बीजेपी का? यही कारण है कि फोकस जो है बीजेपी का जो है सीमांचल की तरफ है। आतंकवादियों की बात करें तो जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं वो चंपारण और सीमांचल से पकड़े गए हैं। बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े हैं, नेपाल से घुसपैठी करते हैं। तो यही नहीं, वो बड़े पकड़े गए हैं, छोटे छोटे जो आतंकवादी जो है चाहे स्लीपर सेल के लोग हैं वो नॉर्मली जो है नेपाल आते हैं, विदेशों से नेपाल आते हैं, नेपाल से इंडिया में घुस जाते हैं। इन सारी चीज़ों को बीजेपी जो है मुद्दा बनाने जा रही है, और यही कारण है कि अमित शाह जो है वहाँ आ रहे हैं। और अगले 2024 का चुनाव की बात करें तो 2024 के चुनाव में जो है इन चीज़ों को जो है भुनाने का काम करेगी बीजेपी, 2025 में जो है इन चीज़ों को भुनाने का काम करेगी। और बीजेपी का एक एजेंडा रहता है कि हिंदू में जागृति पैदा करना, और कहीं ना कहीं जो है हिंदू जाति का वहाँ मनोबल जो है धीरे धीरे जो है मनोबल कमजोर हुआ है, क्योंकि उस समय जेडीयू में बीजेपी थी और बीजेपी खुल के कुछ नहीं कर पा रही थी। तो यही कारण है कि मनोबल बढ़ाने के भी काम जो है अमित शाह करेंगे। लेकिन अब ये बीजेपी की रणनीति है, आगे अमित शाह का क्या क्या प्लान है खुद अमित शाह बताएंगे। लेकिन अभी जो रूपरेखा देखा जाए सितंबर में वो दौरा करते हुए नजर आएंगे और सीमांचल पर खासा फोकस है बीजेपी का। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा देते हैं।